इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप फ्री में नेट का रिचार्ज कैसे कर सकते हो और आप कॉल का भी रिचार्ज कर सकते हो एक एप्लीकेशन के थ्रू। और उसके लिए आपको कोई भी टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा, आपको उस एप्लीकेशन के लिए कोई भी टाइम देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उस ऐप को मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मेरा इस ऐप पर ऑलरेडी अकाउंट है, तो आपको कोई भी एक ऐप ओपन करने के बाद आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको हेलो हेलो पर क्लिक करना है। मेरा नेट ऑफ है, मैं नेट ऑन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको आपका फुल नेम यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। मैं मेरा मोबाइल नंबर हाइड कर देता हूँ सिक्योरिटी के लिए, और मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पे, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, 30 सेकेंड तक लग सकता है टाइम, 296 सेकेंड लग सकता है टाइम। अभी तो हो चुका है वेरीफाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी मैं इसको ओके दबा देता हूँ। तो मुझे कुछ परमिशन देनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन को फ़ोन में से, ठीक है। परमिट इस एक्सेस को ऑन करना पड़ेगा, अगर आपके फ़ोन में है तो आपको भी ऑन करना पड़ेगा अगर आपको मांग रहा है तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस इस एप्लीकेशन का है। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन में मेरा वाला जो डेटा है वो 346 MB है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है 346 MB यहाँ पे है, और यहाँ से अगर मैं बूस्ट कर देता हूँ तो और भी इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर जिस दोस्तों आप नेट चलाते हो, अगर आप नेट चलाने के बाद आप डेटा ऑफ कर रहे हो अपने फ़ोन का, तो उससे पहले आप एक बार इसको बूस्ट कर लीजिएगा, आपको उसमें वो डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा सेव होने के बाद आपको क्लिक करना है व्यू वॉलेट में। वॉलेट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पहले से ही रहेगा, मैंने हाइड किया हुआ है दोस्तों। आपको यहाँ से कोई भी एक ऑपरेटर सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद शो प्लान्स, ठीक है। रिचार्ज के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप 500 MB में भी रिचार्ज कर सकते हैं और 1 GB में भी रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। पर मंथली रिचार्ज होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 20 रुपये आप पेटीएम कैश भी ले सकते हो इसमें से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फ्री पेटीएम कैश पे क्लिक करोगे या तो आपको पेटीएम अकाउंट डालना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको पेटीएम नंबर डालना पड़ेगा, और आपके पेटीएम अकाउंट में उसका कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी तो दोस्तों हम ये नहीं करते, हम फ्री टॉक टाइम टॉपअप, ठीक है, या बिल भी आप यहाँ से पे कर सकते हो। देखिए मैंने क्रेडिट प्रीपेड पे ले आया हूँ, पोस्टपेड नहीं है मेरा, सिम प्रीपेड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्कल, मतलब किस आप स्टेट से रह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे 10 रुपीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रिचार्ज एंड पे, ठीक है। ये भी मैंने आपको पेमेंट प्रूफ भी बता दिया है इस एप्लीकेशन का। और दोस्तों आपको 1 GB यहाँ पे आप देख रहे हो 346 MB, यहाँ पे आपको 1 GB चाहिए, मतलब आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। डेली आप यहाँ से जो बूस्ट वाला सिंबल है यहाँ पे क्लिक करा कीजिए इस एप्लीकेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 सेकेंड देने पड़ेगा आपको। और दिन में 1-2 बार बूस्ट करा कीजिए इस ऐप को, इसमें डेटा आपका सेव होता रहेगा। और आपको जब 1 GB होगा तो आपको पेटीएम कैश भी ले सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में डेटा पैक कम है तो आप नेट का भी रिचार्ज ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।